श्रद्धा भाव से पूजा करते, उनके हर एक मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। गेट लगा नहीं हो, पहले शिखर लगाई थी ना। लाइक करना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सही है। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ ताजपुर में जो है ट्रैफिक जाम है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम होता है कारों से और बिहार में ट्रैफिक जाम होता है भैंसों से। देख लीजिए भाई, गजब। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्लाइंग झाजी। तो हम आज आ गए हैं अपने समस्तीपुर। हाँ सही सुना आपने, समस्तीपुर। और आपको हम आज दिखाने वाले हैं समस्तीपुर का खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिर थानेश्वर स्थान मंदिर। तो आज बने रहिए आप वीडियो में और लास्ट तक बने रहिए और दिखाते हैं आपको आज थानेश्वर स्थान का खूबसूरत। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के गेट पर और चलते हैं अंदर और सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर के गेट के बाहर आएंगे और तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा हुआ प्रसाद वगैरह का और इधर भी है, दोनों तरफ है। तो पहले पूछ लेते हैं कि प्रसाद वगैरह क्या क्या सिलसिला है। तो भैया प्रसाद का जो है तो कितना का पैकेट आता है मिनिमम? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। तो मिनिमम कोई भी भक्त जाना चाहते तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आगे प्रसाद ले सकते हैं। इधर भी स्टॉल है और इधर भी स्टॉल है, दोनों तरफ स्टॉल लगाया हुआ है। अभी चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं आपको सारा कुछ मंदिर का क्या क्या सिलसिला चल रहा है अभी। हाँ तो हम लोग अंदर चलते हैं और जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे तो पंडित जी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ये जो सीन है आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंदिर देखने को मिल रहा है आपको। और समस्तीपुर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना मंदिर है। तो जैसे हम मंदिर परिसर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले तो राम जानकी का एकदम दरबार लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा जो काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे सारे भगवान जी जो है वो सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा जो काफी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बेलपत्र फूल वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। और ये जो है ध्वजा है, बजरंगबली का ध्वजा। और यहाँ पे जो जो भी लोग हैं फूल वगैरह बेलपत्र, क्योंकि भोला बाबा का मंदिर है तो यहाँ पे ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मंदिर के अंदर आएंगे तो पंडित जी लोग अभी बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ मंदिर के बारे में मान्यता वगैरह क्या चीज़ है। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका पंडित जी? नितिन बाबा। और मंदिर के बारे में क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है, अनेकों मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होते हैं। हर एक आदमी का अपना अपना इच्छा है, भोले बाबा हमारा पुत्र नहीं है, हमारा नौकरी नहीं है, हमारा कार्य नहीं होता है। जो मन्नत रूप से इस दरबार में आते हैं बाबा भोले के ऊपर श्रद्धा भाव से पूजा करते, उनके हर एक मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और ये मंदिर कब से स्थापित है यहाँ? ये मंदिर आपको 100 बरस पुराना मंदिर है और बहुत विख्यात मंदिर है। और इनकी जो है महिमा बहुत अपरंपार है। बिहार का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है थानेश्वर स्थान, जो कि बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और ऐसे भी लोगों का आवागमन जो है जारी रहता है। और जो आदमी जिस भाव से यहाँ पर आते हैं उनको हर एक मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो यहाँ पे और सारे पंडित जी जो लोग हैं वो अभी आ नहीं पाए कैमरे में। क्या नाम हुआ आपका?
श्याम बाबा, श्याम बाबा है ये, और ये भी पंडित पुजारी जी हैं यहाँ के, और यहाँ पे भी बाबा जी लोग हैं जो पंडित जी हैं, और अभी पंडित जी हैं क्या? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर गिरी। उमाशंकर गिरी जी हैं, और आपका क्या नाम हुआ पंडित जी? अवरिंदर झा जी हैं। और मंदिर के बारे में विशेषता जो बताएं अभी पंडित जी, उसके बाद आपको सारा कुछ यहाँ का बताते हैं, तब तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। भैया हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं, आज भीड़ बहुत कम है क्योंकि कोरोना का जो तीसरा लहर वो कुछ ज़्यादा ही चल चुका है, इसलिए हम लोग अपने मास्क लेके आए हैं और हम लोग ज़्यादा पब्लिक पहले से जाना नहीं पसंद कर रहे हैं अभी, इसलिए आज मंदिर परिसर में भीड़ बहुत कम है। बाकी ऐसे यहाँ पे मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रसाद वगैरह का जो सिलसिला है सारा कुछ आपको पता चल गया, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भगवान को जो चढ़ता है बेलपत्र और फूल यहाँ पर कितने रुपये का मिलता है। तो एक बउआ है, इसे पूछते हैं। तो बुआ क्या हाल चाल है? क्या नाम हुआ? और एक जो भगवान पे चढ़ता है एक लोटा जल और फूल वगैरह, तो उसे कितना रेट है? 20 रुपया ना, तो 20 रुपया रेट है। और सारा पे मतलब कि यहाँ से वहाँ तक सब एक ही रेट है, तो सारा एक ही रेट में आपको मिल जाएगा। तो 20 रुपया में भगवान के लिए बेलपत्र और जल और फूल आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आइए और भगवान को पूजा कीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी कोरोना का लहर जो तीसरा लहर ओमिक्रॉन नाम का वायरस वो काफ़ी ज़्यादा चल गया है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी मंदिर को बंद रखा जाएगा कुछ दिन। बंद तो नहीं, पूजा चलेगा लेकिन भीड़ भाड़ नहीं होगा। ये सब और अभी मंदिर का काम चल रहा है, जो भी पेंटिंग वगैरह होगा उसका काम चल रहा है, तो बाकी मतलब कि जो भी है मंदिर नया लुक में दिखने को मिलेगा आपको बहुत जल्द। तो भाई साहब सारा कुछ बातचीत हो गया, और यहीं से आप बता दें कि आपको जिस कुआं से भोले बाबा को जल निकाल के और चढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो भाई साहब इतना अभी आवाज आ रहा है, नॉइज प्रॉब्लम आपको मिल रहा होगा क्योंकि अभी मंदिर में काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आवाज एडजस्ट कर लीजिए आप। दराज से लोग आते हैं या जो भी आराम करना चाह रहे हैं उनके लिए विश्रामालय बनाया गया है, यहाँ पे आराम से आप लोग बैठ के और आराम कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये काली माता का मंदिर है और यहाँ के पुजारी जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुजारी जी नमस्ते, क्या हाल चाल, क्या नाम हुआ आपका? जयराम। क्या करना? लाइक करना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सही है। और देखो बच्चा लोग आ गया है भाई। देखिए पहला नंबर ये है ना कि ये लोग से मिलने के बाद जो खुशी मिलता है ना भाई, खुशी अजब ही खुशी होता है। और कैसे हो? बहुत अच्छे। कब से रह रहे हैं वहाँ पे? बहुत साल से। बहुत साल से पुरानी आपकी? कहाँ घर? कहाँ घर है? तो भाई साहब हमारे साथ अभी अंकित और ये बच्चे लोग हैं, तो अभी इंजॉय किए बच्चे लोगों के साथ। और अंकित
तो आपको हम बता दें कि मंदिर के बारे में जो भी जानकारियाँ आपको मिली वो तो मिली गए, और उसके बाद आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो शादी विवाह सारा कुछ होता है वो बारहों मास होता है, मतलब कि बारहों महीना होता है शादी विवाह जनेऊ संस्कार सारा कुछ, और यहाँ पे लड़की देखने दिखाऊ सारा कुछ सीन है, तो सारा कुछ यहाँ पे होते रहता है। और समस्तीपुर का एकमात्र ऐसा मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, थानेश्वर स्थान मंदिर। मंदिर प्रांगण के दो गेट हैं, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट, तो आपको दिखा देते हैं कि ये है एग्जिट गेट और यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो ये है एग्जिट गेट आपको देखने को मिला। दोस्तों मंदिर प्रांगण में बहुत ज़्यादा नॉइस था, मतलब कि यानी काम वगैरह चल रहा था सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर से आवाज़ आ रहा था जो वॉइस क्लियर नहीं हो रहा था, तो अभी यहाँ पे आ गए हैं और शांति जगह पर बैठ के आपको बता दें कि कल से जो है मंदिर में कम से कम भीड़ लगने वाली है और ज़्यादा से लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, और पुजारी जो लोग बता रहे थे कल से गेट बंद हो जाएगा, तो जो भी पूजा वगैरह तो होगा लेकिन गेट बंद हो जाएगा, भीड़ वगैरह नहीं लगेगा। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास रहा हम लोगों का जो अच्छा बेस्ट अपना दे सके, फिर भी जो आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नया था हमारे तरफ ब्लॉग के साथ।